लेकिन जरा दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। पांच बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है, क्योंकि इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो हिंदू प्रतीक चिन्ह ज्ञानवापी परिसर के अंदर मौजूद है। साथ ही उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल हमने नहीं रखा। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मंदिर बोलेंगे तो बवाल होगा, विवाद होगा, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हैं और मुस्लिम समाज ज्ञानवापी पर प्रस्ताव लाए, ये भी उन्होंने कहा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा वो हमने आपको सुनवाया। एक बार फिर रुक करते हैं, मेरे सहयोगी विशाल पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, इस मामले के अंदर फिलहाल कानूनी पहलू भी हैं, इस मामले के ऊपर अदालत के अंदर सुनवाई चल रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर ये मामला है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दाखिल हैं, लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान इस पूरे मामले की दिशा को कहां ले जाता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए प्रणय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी परिसर के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि उसकी दीवारें क्या कुछ बताती हैं, त्रिशूल उसके अंदर है, साथ ही ज्योतिर्लिंग की बात योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी ज्ञानवापी परिसर को देखेगा वो खुद से पता कर लेगा कि यहाँ पर क्या है। तो इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया है कि इस ऐतिहासिक गलती को मुस्लिम पक्ष को स्वीकार कर समाधान का प्रस्ताव देना चाहिए। अगर आप देखिए जिस तरह से हिंदू पक्षकारों ने इस पूरे मामले में अपनी बात रखी है कि यहाँ पर औरंगजेब ने ज्ञानवापी का जो परिसर था वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया है, और उसके बाद से लगातार जिस तरह से कानूनी लड़ाइयां अलग अलग अदालतों में लड़ी गई, जो सबूत और जो तथ्य यहाँ पर हिंदू पक्षकारों की तरफ से पेश किए गए या फिर कोर्ट कमिश्नर ने जो सर्वे किया था उसमें जिन बातों का जिक्र किया गया था, खासतौर पर ज्ञानवापी परिसर की दीवारों पर। लेकिन इस ऐसे समय में जबकि मामला अदालत के अंदर है, सुनवाई इसके ऊपर चल रही है, दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, दावे हैं, ऐसे में संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उनका यह बयान कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस मामले के अंदर एक नए विवाद को जन्म दे देगा? देखिए प्रणय, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी निजी राय यहाँ पर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो समाधान की बात कर रहे हैं। फिलहाल देखना यही होगा कि इस पर दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया क्या होती है, जो हिंदू पक्ष के पक्षकार हैं या फिर मुस्लिम पक्षकार हैं। बिल्कुल विशाल, आप बने रहे हमारे साथ में।